पहला कंपोनेंट फ्यूज, ठीक है, और मोबाइल के अंदर जो हमने आपको बताए थे कि सारे के सारे क्या लगे होते हैं, एसएमडी लगे होते हैं, एसएमडी कंपोनेंट होते हैं। एसएमडी का मतलब सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं और एक ही सतह पे जो है होते हैं, लगे होते हैं एसएमडी का। और अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज इसका नाम है कंपोनेंट का, और इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं प्रदर्शित इसको? एफ से। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि सर्किट सिंबल जब हम लोग जानेंगे, ट्रेसिंग करेंगे सर्किट डायग्राम का, तो वहां पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी एफ। आप एफ जरूर लिखा होगा सर्किट में, तो अभी हम उसको भी आपको दिखाते चलेंगे सर्किट सिंबल में। तो ये तो हो गया जाके आपका फ्यूज, उसको एसएमडी फ्यूज लगे होते हैं मोबाइल के अंदर में, और उसे हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इनके जो सर्किट सिंबल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनके थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं? मोहम्मद आप बताइए कि मतलब कि आपके मोबाइल पर दिख रहा है सही से? नहीं दिख रहा है मोबाइल में? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सही से? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा सर मोबाइल। ओके, ये पीसी है सर मेरे पास। वो पीसी भी है जो हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हम ये पूछ रहे हैं। वो दिख रहा सर? हाँ वो दिख रहा है ना। अभी आपको इसको आपको समझना है फ्यूज एक्चुअल में है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसे पहचानेंगे कैसे, इसकी टेस्टिंग क्या है, फिर हम आपसे टेस्टिंग करवाएंगे ना मदरबोर्ड पे, तब आपको आवश्यकता रहेगी मदरबोर्ड पे। हाँ सर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। फ्यूज को जो है, फ्यूज एक कंपोनेंट है जो एसएमडी होता है, जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं सारे के सारे एसएमडी होते हैं। हम यहाँ पे अबकी बार से एसएमडी नहीं लिखेंगे, और इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें तो ये वो तीन प्रकार के सर्किट सिंबल होते हैं सर्किट में, इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये पहला कंडीशन ऐसी दिखाई देगा, या ऐसा, या फिर ऐसा, और ऐप लिखा होगा तो आप समझ सकते हो वहां पे फ्यूज लगा है सर्किट में, ठीक है। लेकिन ये मोबाइल में नहीं लिख, जो है मोबाइल में नहीं बने होते हैं, ना तो एफ लिखा होता है, ठीक है, ना तो मोबाइल में सर्किट सिंबल बने होते हैं, ना ही वहां पे एफ लिखा होता है। तो इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे मोबाइल के अंदर, कि भाई मोबाइल के अंदर कौन सा जो है फ्यूज है। एक तो ऐसा फ्यूज होगा इसी तरीके का, ठीक है, और उसके अंदर एक जीरो कर, मतलब कि या तो जीरो लिखा होगा, ये इस तरह का आपको जो है फ्यूज दिखाई देगा, तो आप समझ सकते हो फ्यूज। और भी सर्किटों में फ्यूज लगे होते हैं, हर एक सर्किट, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की जो जितनी भी सर्किटें होती हैं सब में फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग गूगल पे भी हम लोग जो है देख सकते हैं कि फ्यूज हमें किस तरीके से लगे होते हैं। ओके, तो यहां पे हम टाइप करेंगे एस एम डी फ्यूज, तो ये देखो अलग अलग टाइप से जो है मदरबोर्ड में लगे होते हैं। ये वाले आपको नहीं मिलेंगे, ये वाले जो है फ्यूज, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये तुमको जो है मदरबोर्ड में मिल सकता है। और जो मैंने आपको बताया जीरो वाला, वो भी जो है लगा होता है, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है। ये सारे के सारे फ्यूज हैं, और ये भी फ्यूज, ये सारे के सारे एसएमडी हैं। हमारे घर के बाहर जो कटआउट लगा होता है ना, वो भी एक तरह का फ्यूज होता है, कटआउट लगा होता है। और ये देखिए, हाँ ये एक मदरबोर्ड में देखो, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है ये ऐसा, लेकिन ये जो है लैपटॉप के मदरबोर्ड का लगभग सीपीयू है, एसएमडी। आपके उनको मैंने जो बताया है
वो उसी तरीके के फ्यूज होते हैं, ये वाले, ये जीरो वाला, ये ब्लैक कलर का फ्यूज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अब इनकी संख्याएं कई सारी हो सकती हैं, किसी में दो लगे हो सकते हैं, किसी में तीन लगे हो सकते हैं। और जो दूसरा होता है फ्यूज, ये पूरा क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, ब्राउन कलर का हम लोग कह सकते हैं इसको। और ये कहाँ लगा होता, नोकिया के कुछ मदरबोर्ड होते हैं उनके चार्जिंग सेक्शन में लगा होता है, पूरा का पूरा जो है ये हल्का ब्राउन होता है। देखे हो, नहीं देखे हो, और आज हम इसको आपको दिखाएंगे, ये रहेगा। आप देखो संजीव, इस तरह का फ्यूज, ये वाला फ्यूज देखे हो, जीरो वाला, जीरो वाला तो देखे हैं, जीरो वाला फ्यूज देखे हो आप प्रफुल्ल? नहीं सर, नहीं देखे हो मदरबोर्ड इसमें, मेरे पास जियो का मदरबोर्ड है, इसमें शायद चार्जिंग सॉकेट के पीछे कुछ है, जीरो टाइप दिख रहा है। हाँ, जीरो टाइप का लगा होगा वहाँ पे, आप देखिए उसके, ठीक है, जरूर होगा। तो ये जो है वो फ्यूज होता है। चलिए हम लोग कुछ मदरबोर्ड पे अब देखने की कोशिश करते हैं। तो मदरबोर्ड अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन जीरो, एक किसी सर्किट में क्या लिखे, तीन जीरो है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, तीन जीरो है, तो ये फ्यूज नहीं है, ठीक है, सिंगल होगा वहां पे, जीरो जो लिखा होगा वो सिंगल होगा। चलिए हम लोग कुछ मदरबोर्ड देख लेते हैं। इन जीरो का क्या रहता है सर? रजिस्टर होता है। हाँ? रजिस्टर। रजिस्टर होता है। तो मदरबोर्ड में चेक करो संजीव, तुम्हारे पास है कोई मदरबोर्ड, उसमें है ये? अभी तो सर नहीं है, कल आएगा, कल अब सुबह जाएंगे तो दुकान से निकाल कर लाएंगे, कुछ मदरबोर्ड लेके आइएगा। ये सब वैसे हैं पीसीबी, दिख रहे हैं इसमें नहीं है। ये बीच के मदरबोर्ड का हिस्सा है, इसलिए शायद इस पे नहीं आ रहे हैं। आपके जियो वालों में क्या नाम, संजीव मिला है क्या नाम है तुम्हारा, विशाल मिला? नहीं मिला। यस सर, चार्जिंग सॉकेट के पास में है सर, एक चार्जिंग सॉकेट में, एक के पास में एक लगा है। अच्छा, और किसी के को मिला कि नहीं मिला? देखिए भी मदरबोर्ड से कम लगे होते चार्जिंग आते सेक्शन में जो है होते हैं। Thank you.
इतना छोटा है, लगा भी होगा। चलो कल हम माइक्रोस्कोप अपना जो है जोड़ते हैं एलसीडी पे, कैमरे पे इंस्टॉल करते हैं, फिर हम कल से आपको जो फ्यूज फ्यूज कॉइल का टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। यस सर, इसका ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है। चलो इसको छोड़ते हैं फिर। वो जीरो वाला तो गूगल पे भी नहीं ये लग रहा है सर। इधर जो ब्लैक कलर का है वो जीरो वाला ही लग रहा है सर। ये गूगल पे नहीं, ऊपर में और आइए सर, और ऊपर में सर, ऊपर ये वाला जो जीरो वाला नहीं, ये लिखा है शायद, ये लिखा है, ये सब फ्यूज है जितने नहीं, भी आप नहीं, देख रहे हो। जी ये भी देखो यहाँ पे जीरो लिखा, ये लिखा है, हमको जीरो फ्यूज है। चलिए क्या समझते हैं अब ये वर्क क्या करता है, कोई बताएगा क्या काम करता है फ्यूज? सर शॉर्ट सर्किट होने से मतलब बचाव करता है, जैसे जितना वोल्ट का रिक्वायर रहता है उस हिसाब से फ्यूज लगता है, ज्यादा वोल्टेज आता है तो ये उड़ जाता है, लेकिन सर्किट को बचाता है, सर्किट को बचाता है। फिसाल आप बताइए क्या करता है? नहीं पता सर। हाँ नहीं पता सर, नहीं पता ऐसे सर जी आप बताइए क्या करता है? तो ज्यादा करंट डंगर जा रहा है तो प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षित रखता है किसको, मदरबोर्ड को, या जिस सेक्शन में ये लगा होता है उस सेक्शन को ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है उसको, किससे? एक्स्ट्रा वोल्टेज। ठीक है, अब ये तो पता चल गया सुरक्षा करता है, कैसे करता है हम लोग अब इसकी जानेंगे वर्किंग। आखिर में ये वर्क कैसे करता है? वर्किंग सिंपली हमने एक यहाँ पे एक वायर लिया। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, अगर हमने यहाँ से इस वायर पे हमने अगर 5 वोल्ट दिया, ठीक है, इस जगह से, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई डिवाइस लगी है, कोई भी डिवाइस है यहाँ पे, मान लो मोबाइल लगा हुआ है हमारा 5 वोल्ट पे, कोई भी डिवाइस है मोबाइल 5 वोल्ट की सप्लाई पे जा रही है और ये प्रॉपरली जो है काम कर रहा है मोबाइल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर यही वोल्टेज 5 वोल्ट जब तक जा रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने की है, इसकी ओनली कैपेसिटी है 5 वोल्ट की, अगर 5 वोल्ट की क्षमता है तो 5 वोल्ट यहाँ पे मिलता जो है तार से जा रहा है, तो 5 वोल्ट से मोबाइल चल रहा है। लेकिन अगर मान लो कहीं सर्किट में कोई फॉल्ट आई और यहाँ पर क्या होगा, 8 वोल्ट हो गया या फिर 10 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा कि वही सारा वोल्टेज कहां पे आ जाएगा? मोबाइल पे सारा वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे। जब सारा वोल्टेज मोबाइल पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, और ये मोबाइल तुम्हारा डैमेज हो जाएगा, फुक जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं इसको और अच्छे ढंग से लो हम लोग समझते हैं। अब अगर यही मोबाइल है, तो
ध्यान समझोगे समझा पूरा देंगे, बचेगा कुछ नहीं, हर चीज समझ में आएगी। ये 5 वोल्ट से चलता है सबको पता है, यहाँ पे हम लोग इसी लेके चलते इसको 5 वोल्ट। और अब की बार हमने क्या किया, एक जो तार था कनेक्शन था चार्जर वाला जो भी है, तो हमने क्या किया यहाँ तक तो हमने एक वायर लगाया, फिर इसके बीच में हमने गैप दे दिया और हमने एक वायर और लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके बीच में जो है एक बहुत ही पतला एक तार लगा दिया यहां पर, और अब हमने क्या किया इस पे 5 वोल्ट हमने जो है इस पे सप्लाई दिया। तो क्या दिक्कत है, और यहां पे तुम्हारा ये लगा है एफ यानी फ्यूज, और जो यहाँ पे जो तार लगाया पतला वाला इसकी कैपेसिटी ओनली कितनी है 5 वोल्ट की, क्षमता कितनी है 5 वोल्ट की। तो 5 वोल्ट अगर हम यहाँ से जब इसको हम लोग जब दे रहे हैं इस 5 वोल्ट यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 वोल्ट यहाँ से जा रहा है और इस यहाँ से निकल के यहाँ पे मोबाइल पे जो है पहुंच रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो 8 वोल्ट हो गया, हमने आपको दिखाया था 8 वोल्ट का, और 10 वोल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि सप्लाई आगे जाएगी नहीं, और ये जो फ्यूज है जो पुल है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है इसका पुल जो है टूट जाएगा, ये तार जो बीच वाला है ये जल जाएगा, और जो हमारा मोबाइल है सुरक्षित बच जाएगा। खराब क्या होगा यहाँ पर, ये फ्यूज जल जाएगा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि पुल है, पुल पे क्या है कि एक बार में क्या नाम करके एक साइड से ही गाड़ी जा सकती है, 100 गाड़ी है तो एक एक करके ही जाएगी, एक बार में अगर 100 ले जाओगे तो पुल टूट जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ से अगर 5 वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे अगर जाएगा तो ये जो पुल है जो पतला तार है वो टूट जाएगा। अक्सर हम लोग नॉर्मली देखते हो अपने घरों के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है तो वहां पर भी फ्यूज का इस्तेमाल होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना लाइट एड जब आधी तूफान आता है या पानी बरसता है तो कहते हैं कि लाइट नहीं आ रही क्या हो गया, उन्हें फ्यूज उड़ गए बोलते हो ना, फ्यूज उड़ गए लाइट नहीं आ रही है, यही वो फ्यूज होते हैं। ये जिस सेक्शन में लगा होता है मदरबोर्ड के उस सेक्शन की जो है सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे हमें वर्किंग भी पता चल गई कि क्या काम करता है, सिक्योरिटी करता है, सुरक्षा करता है, और कैसे करता है हमें इसके बारे में भी पता चल गया, ठीक है, पहचान भी इसकी पता चल गई। आप करते हैं टेस्टिंग की बात, और जो तुम लोग मशीनें भी यूज करते हो उनके अंदर भी ये लगा होता है फ्यूज, हम आपको दिखा देते हैं, जो तुम्हारी डीसी पावर सप्लाई और क्या नाम करके एसएमडी हॉट एयर गन, इनके अंदर जो फ्यूज लगा होता है वो किस तरीके से लगा होता है वो आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, और देखे होगे इन्वर्टर में भी लगा होता है। ये वाला ये बड़ा होता है, अब चाहे ये बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बिल्कुल छोटा हो, टेस्टिंग सभी की है कि ये सबको ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ये तुम्हारे उसमें लगा, देखो इसके अंदर पतला वायर लगा है, और पतला वायर क्यों लगा है, चलो पतला वायर समझ में आ रहा है क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आएगा तो उड़ जाएगा, लेकिन ये कांच से कवर्ड क्यों, कांच से कवर्ड क्यों है, कांच से कवर्ड क्यों है कोई बताएगा, थोड़े बहुत नॉलेज हो किसी में, एक्चुअली में कांच से क्यों कवर्ड है, देखो आप फ्यूज कांच से इसलिए कवर्ड होता है कि जब ये फ्यूज जलेगा, जब जलेगा जब ज्यादा वोल्टेज आएगा तो ये उड़ेगा तो आग जलेगी, तो आग जलेगी, अब आग कहाँ जलती है, जहां पर ऑक्सीजन होती है तहां पर जो है आग जलती है, समझ में आ रही बात। और अगर ये खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरी सर्किट जल जाएगी, मदरबोर्ड कांच है, कांच के कवर्ड है कांच के अंदर, और या इधर से सील पैक, तो इसके अंदर ऑक्सीजन जितनी भरी है उतनी एक बार जल जाएगी, इसके बाद भले ही उसके अंदर आग बनी रहे लेकिन आग लगेगी नहीं,
ठीक है, इसलिए ये कांच से कवर्ड किया जाता है ताकि फ्यूज भले ही खराब हो जाए लेकिन सर्किट जो और मदरबोर्ड है उसमें आग ना लगे, इसलिए कांच से कवर किया था। ये तुम्हारे डीसी मशीन के पीछे के हिस्से पे जो लगा होता है, डीसी मशीन हो गया, हॉट एयर मशीन हो गई, एसएमपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, सब में ये लगा होता है, तो कभी कभी यही खराब हो जाता है। ठीक है, ये एसएमडी नहीं, ये नॉर्मल कंपोनेंट है। घर के बाहर तुम्हारे कटआउट लगे होते हैं, देखो ये खराब फ्यूज इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, अंदर जल गया, दोनों तार अलग अलग हो गए, अब आगे वोल्टेज जो है नहीं जा पाएगा। अगर हम और बात करें, तुम्हारी जो गाड़ियां होती मोटरसाइकिल कार वगैरह होती उनमें किस तरीके के लगे होते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, उनके अंदर ये वाले फ्यूज लगे होते हैं ये, ठीक है। तो कभी एलईडी वगैरह लाइट वगैरह जब नहीं जलती है कार की या मोटरसाइकिल स्कूटी की, तो ये वाले फ्यूज खराब हो जाते हैं। तो यहां तक मैंने जो बताया आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारे हिसाब से पहचान भी हो गई, वर्क वर्किंग। अब आते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग आपको शायद सब लोगों को पता ही होगी, क्या टेस्टिंग होती है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे हम लोग सेट करते हैं, डायोड मोड या रेंज, ठीक है। डायोड मोड पे देखो, डायोड मोड को हम लोग और कौन कौन नाम से जानते हैं, कंटिन्यूटी मोड या रेंज, बीप रेंज, बजर मोड या रेंज, ठीक है, इसी का नाम होता है डायोड मोड, ठीक है। इस मोड पे हम लोग जो है चेक करते हैं, और चेक करने पे क्या होता है, आवाज आती है आपस में दोनों सिरे के, हाँ, किस तरीके से आप चेक करोगे हम आपको बता देते हैं। लगाओगे ये चेक करोगे, एक सिरा इस साइड लगाओगे, एक सिरा इस साइड लगाओगे, तो ये बीप की आवाज करेगा। एक तो इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं है यहाँ पे, सिरे टर्मिनल छोर आपस में बीप करें तो सही है। करो आप टेस्टिंग, आप चेक करो, आप प्रफुल्ल आप चेक करो। सर इसमें एक और चीज, ये कैसे पता चलता है कि कितना वोल्ट का फ्यूज है, तो सर्किट डायग्राम से पता चलेगा या मीटर से पता चल सकता है? देखो सर्किट डायग्राम से भी पता चल जाएगा, मीटर से उसकी वैल्यू पता चलती है ओम की, ठीक है, कितने ओम का है, ठीक है। मोबाइल के अंदर 5 वोल्ट जो है 3.5 वोल्ट पे ही लगा होता है, क्योंकि जो चार्जर से वोल्टेज निकलता है कितना निकलता है, 5 वोल्ट। ये सर बीप मार रहा है, बीप मार रहा है। मोहम्मद आपने चेक किया? यस सर, हां कर रहा सर। अरे सर भी पा रही है, जियो का फोन है उसके अंदर फ्यूज है। अब मदरबोर्ड में जो इसका यूज होता है किस तरीके से लगा होता है, ठीक है, तो मदरबोर्ड में जब ये लगा होता है तो ये लगा होता है किसमें, सीरीज क्रम में, सीरीज क्रम में, सीरीज क्रम में लगा होता है। यानी कि आप समझो, देखो इस तरीके से अभी आपको हम समझा देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारी है बैटरी, इसको बैटरी, और एक सिरा इसका है प्लस, ये सिरा प्लस है, और ये वाला इसका जो सिरा है वो वाला माइनस है, ठीक।
अब क्या है कि तुम्हारे पास जो फ्यूज लगा होता है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक तुम्हारा कोई मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी सेक्शन है, ठीक, हम लोग इसको कुछ भी मान लेते हैं, मोबाइल, कोई भी सेक्शन हो मोबाइल का, और मोबाइल में क्या होता है कि पावर तो चाहिए प्लस और माइनस की, तो माइनस आपको यहाँ से कनेक्शन हो गया। अब बात करते हैं प्लस की, ये लगे लगेगा फ्यूज यहां पर, ठीक है, एफ, यानी कि सीरीज का मतलब ये है कि हमेशा जो फ्यूज है वो प्लस अप्लाई पर ही लगता है, माइनस पे नहीं लगता है। सीरीज का मतलब ये होता है प्लस पे लगेगा, माइनस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हमेशा जो फ्यूज होता है वो प्लस अप्लाई पर लगता है, माइनस अप्लाई पे नहीं लगता है, देख रहे हैं आप, यह है सीरीज, मतलब कि मदरबोर्ड में इस तरीके से जो है यूज किया जाता है। अगर फ्यूज अगर खराब है, हो गया, बीप नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक जम्पर लगा सकते हो उसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, इस तरीके से, ठीक है। अगर फ्यूज अगर आपका बीप जो है नहीं कर रहा है, तो वो अगर चार्जिंग सेक्शन में लगा है तो आगे जो चार्ज नहीं होगा, तो आपको एक जम्पर का यूज जो है यहाँ पर करना रहेगा, इसी तरीके से आपको जो है जम्पर जो है यूज करना है। तो ये तुम्हारा हो गया, जम्पर यूज करने से मोबाइल को प्रॉब्लम नहीं होता सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जम्पर वायर से, क्योंकि उसके अंदर भी पतला वायर लगा होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या नाम करके फ्यूज, पूरा कंप्लीट मैंने यहाँ पे बता दिया है, हर चीज यहाँ पे हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। जो फ्यूज है उसको हम लोग मोबाइल में असेंबली लगा होता है, ऐप से करते हैं, प्रदर्शित सर्किट सिंबल ये होते हैं, पहचान आपको बताई मैंने, यहाँ पे जीरो लिखा होगा, और ये नोकिया के कुछ मदरबोर्ड चार्जिंग सेक्शन में ब्राउन कलर का लगा होगा, और वर्क क्या करता है, वर्क इसका होता है सुरक्षा करना, मदरबोर्ड की सिक्योरिटी करना जिस सेक्शन में लगा है, वर्किंग कैसे करता है अभी मैंने आपको बता दिया, और खराब कंडीशन और सही कंडीशन, टेस्टिंग क्या होती है, और मदरबोर्ड में यूज किस तरीके से होता है, ठीक। आप बताइए आपको यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, कोई भी आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका, संजीव, मोहम्मद, आप बताइए, विशाल, आप शैलेश, आप बताइए, नहीं दिक्कत नहीं सर, फ्यूज है, पहचान जाओगे इसको मदरबोर्ड में, टेस्टिंग भी कर लोगे, ठीक, खराब हो गया तो इस तरीके से आप जम्पर लगा सकते हो, ये फ्यूज को निकाल के काम कैसे करता वो भी हम लोगों ने जान लिया है। ये एक टॉपिक आपका जो है, एक कंपोनेंट yes, आपका कंप्लीट कर दिया है। सर मदरबोर्ड में इसका जगह फिक्स है क्या, इस जगह लगता है कनेक्टर के बाजू लगता है, चार्जिंग नहीं, करने ऐसा नहीं, बाजू लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो काम करता है सर्किट डिजाइनर, जो सर्किट डिजाइन करता है मोबाइल की, तो वो किसी भी सेक्शन में लगा सकता है, चार्जिंग सेक्शन में लगा सकता है, बैटरी सेक्शन में लगा सकता है, पावर सेक्शन आईसी के पास लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है, वो डिजाइनर है। लेकिन आपका काम क्या है, कहीं भी लगाओ, आपको पहचानना आता है, टेस्टिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं इसको, क्या जानते हैं, सर्किट में किस तरीके से हम लोग ढूंढेंगे, जानेंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग लेके चलेंगे फ्यूज सर्किट। फ्यूज की सर्किट, छोटे छोटे सर्किट में देखते हैं किस तरीके से लगा होता है। जैसे एक ये छोटी सी सर्किट, यहाँ पे बैटरी का सिंबल है और ये ऑन ऑफ है और ये लोड है, लोड का मतलब आर रेजिस्टेंस, कोई भी बल्ब वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो, और देखो यहाँ पर फ्यूज लगा है, ये देखो प्लस सप्लाई पे ही लगा हुआ है सर्किट सिंबल है ये, इसमें कहाँ लगा है बताइए, ऊपर लगाया है सर, ये लगा है, ये एसी का सिंबल है जी, ठीक है। अभी से हम लोग ये सब चीजें करते चलेंगे तो अभी आगे सर्किट में बहुत आसानी रहेगी ड्रेस करने में। ये देखो फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है,
यस सर। इसमें कहाँ लगा है? इसमें लगा है सर बीच में U1, U1 करके लिखा है यहाँ पर। ये सर्किट में कहाँ लगा है? सर्किट में सर बता रहे हैं यहाँ ऊपर लगा है, ये R ये नीचे फ्यूज यहाँ पर लिखा है सर। चलिए इस पे बताइए। देखो यहाँ पे लिखा है F1 और फ्यूज का सिंबल कौन लिखा है, ठीक है। ट्रेसिंग में बहुत आसानी रहेगी आप लोगों को अभी सर्किट सिंबल से, ठीक है। ये इसका सिस्टम है और हम लोग और एक सर्किट देख लेते हैं। आप देख रहे हो हर जगह सीरीज में ही लगा है ना। देखो F1 यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी फ्यूज लगा हुआ है। देखो जिसको ना समझ में आए तो हमसे आप बताते जो है रहिए बिल्कुल, ठीक है। इसमें सर दिक्कत नहीं है, मोबाइल के सर्किट में दिक्कत हो सकता है सर। सर्किट का मतलब यही सर्किट सिंबल ही तो पढ़ा रहे हैं आपको। सर्किट सिंबल जब आपकी बेसिक तो, जब आपकी बेसिक कंप्लीट होगी ना तभी आप सर्किट ट्रेस करना सीख पाओगे। हमें पता होना चाहिए कि क्या काम करता है, कैसे काम करता, सब चीजें जब क्लियर होगी तभी जो है आप काम कर पाओगे सर्किट से लेते। ये बताइए ये संजीव जी ये काहे का सिंबल है ये बताइए। ये तो कैपेसिटर का है सर। कौन सा कैपेसिटर है? कौन सा कैपेसिटर है? ये भी तो कैपेसिटर है। ये यहाँ पे लगा C1 जी, ये भी कैपेसिटर है। ये कौन सा है बताइए। नहीं पता इसमें सर दिक्कत है, एसएमडी कैपेसिटर है या कि है एसएमडी। अरे ये जो सर्किट सिंबल है ये एसएमडी हो चाहे बड़ा वाला हो उसको भी वही से सर्किट सिंबल और फ्यूज या नाम जो भी है वही से। यहाँ पे कैपेसिटर है तो सी से ही करेंगे, चाहे वो किसी भी मदरबोर्ड में लगाओ, चाहे टीवी में लगाओ, चाहे रेडियो में, चाहे एरोप्लेन में लगाओ, कहीं भी लगाओ, चाहे मोबाइल में लगाओ, सी से ही करेंगे कैपेसिटर को। यहाँ पे उसके टाइप्स होते हैं, कौन सा है कोई बताएगा मुझे? कोई भी बता दे कौन सा है, ये वाला और ये वाला। एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। हाँ ये वाला फिक्स कैपेसिटर है और ये वाला वेरिएबल है। तो इसका नाम क्या है फिक्स कैपेसिटर का? नाम क्या है? ये तो हमने आपको देख लिया, ये वेरिएबल का मान घटता बढ़ता है, फिक्स का मान फिक्स रहता है। हाँ। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है नॉन पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा कैपेसिटर इसका कोई भी सिर्फ प्लस माइनस नहीं होता है। पोलराइज्ड में प्लस माइनस होते हैं। तो ये सब चीजें आपको हम सिखाएंगे, हर चीज बेसिक अगर आपने अच्छी समझ से पढ़ ली ना इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप चार्जर सब बनाना डालो, ये गारंटी है हमारी। चार्जर बना डालोगे, लैपटॉप का चार्जर हो, घर के टीवी पंखा तो नहीं, मतलब पंखा में तो कॉयल होती है, होते नहीं है। अपनी जो एसएमडी जो तुम्हारी खराब हो जाती है आए दिन उनको बना डालोगे, डीसी मशीनें जो भाई खराब हो जाती हैं, ठीक है, उनको तो बनाने लगोगे अगर तुमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से हमसे पढ़ लिया सारे कंपोनेंट। ठीक है तो ये कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया। कल हम आपको कॉइल के बारे में बताते हैं, ठीक है, एग्जांपल देके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा के कहां से किसका किसका क्या यूज करना है। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए आप हमको, और आप कोशिश करिए कि आप अपने पास एक जो है मोबाइल या मतलब कि एक आपके पास मोबाइल कुछ मदरबोर्ड होने चाहिए और मल्टीमीटर लेके बैठिएगा, जिससे क्या है ना कि पूरी टेस्टिंग जो है आपकी होती रहेगी हर चीज। और कल से हम करते हैं, ये देखो तो सर्विस सेंटर मेरा बंद है, माइक्रोस्कोप लगाते तो हम यहाँ पे अपना एलसीडी में आपको दिखाते रहते, देखते हैं कोशिश करते हैं सर्विस सेंटर जाने की। कुछ पूछना है और विशाल?
चलिए ठीक है फिर आज के लिए।